तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना बात किए कैसे लड़की को पटा लेते हैं, बिना बात किए कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस कर लेते हैं। जी हाँ भाई, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई आप में से कई लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि भाई मैं उस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मगर मैं उससे बात करने में डरता हूँ, मुझे उससे बात करने में डर लगता है। तो भाई प्लीज़ कोई ऐसा टिप्स दीजिए, कोई ऐसा ट्रिक्स बताइए जिससे कि हम उसे बिना बात के इम्प्रेस कर सके, उसे पटा सके। तो भाई आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई जो हमारा पहला पॉइंट है वो है आपका देखने का नज़रिया। क्योंकि देखो यार, आप तो उससे बात नहीं करने वाले हो, लेकिन आप उससे कम से कम आई कॉन्टेक्ट तो बना ही सकते हो, उसे ये तो जता ही सकते हो कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपको लाइक करता हूँ। और उसके लिए भाई आपको उससे आई कॉन्टेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। अब आई कॉन्टेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैं फ्रेंड आपको बात करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मली आपको उसको देखना है। और उसको देखना कैसे है, आपको उसको प्यार भरी निगाहों से देखना है, हवस की निगाहों से उसको नहीं देखना है। जब भी आप उसके पास से गुजरते हो तो उसको एक बार जरूर देखिएगा फ्रेंड, और जब भी देखिएगा तो कॉन्फिडेंट के साथ देखिएगा। जी हाँ, अब जब बात कॉन्फिडेंट के आ ही गई है तो मैं आपको एक बात बता दूँ, लड़कियों को ज़्यादातर लड़के कैसे पसंद आते हैं पता है, जिनके अंदर में कॉन्फिडेंट होता है, जो ज़्यादा डरते नहीं, घबराते नहीं है, ऐसे लड़के ही लड़कियों को पसंद आते हैं। तो आपको फ्रेंड ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उसके सामने में बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम बिंदास होकर उसके सामने से गुजरना है, बिंदास होकर उसको देखना है, और डरना बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड। क्योंकि अगर आप डरते हो तो आपका काम खराब हो जाएगा, और लड़की को ऐसा लगेगा कि जब इस लड़की की अभी से ही इतनी फट रही है, अभी से ही इसको इतना ज़्यादा डर लग रहा है, शर्म आ रहा है, बस इसके मुझे देखने से ही, सिर्फ मेरे आसपास से गुजरने से ही, तो क्या ही ये मुझसे प्यार करेगा, और अगर कल को कुछ बात भी होगी तो ये तो बोलने आएगा ही नहीं। इसलिए फ्रेंड आप अपने अंदर के गट्स को जगाओ, अपने अंदर की हिम्मत को बढ़ाओ, और कभी भी उसके सामने में डरपोक वाली हरकतें मत किया करो कि आप उसको देखते ही कांपने लग जाते हो, डरने लग जाते हो। आप ये सब करना बंद कर दो, और भाई जब आप उसे ये शो करवा दोगे कि मैं डरता नहीं हूँ, शर्माता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ही बिंदास बंदा हूँ, और कभी भी अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझे बिंदास बोल सकती हो, तो ऐसे में भाई आप लड़की की पसंद बढ़ने लग जाओगे, जिसको आप लाइक करते हो। उसे फ्रेंड्स आपको किसी ना किसी तरीके से जताना है कि मैं डरता नहीं हूँ, शर्माता नहीं हूँ, बस आपको इतने काम करना है, फिर देखना लड़की का इंटरेस्ट आप ही की तरफ में आएगा, और वो आपको और भी ज़्यादा नोटिस करने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, भाई आप अपना कोई ना कोई ऐसा टैलेंट शो करवाओ जिसके चलते लड़की आपके तरफ में अट्रैक्ट हो और आपके पीछे भागे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलो मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि मैं अपने क्लास में पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, और मेरी मैथ्स और इंग्लिश बहुत ही अच्छी है। अब मान लेते हैं कि उस लड़के की इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है, और उसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए, तो ऐसे में वो मेरे से ही हेल्प लेना चाहेगी, क्योंकि उसको पता है कि क्लास में सबसे अच्छा और हैंडसम बंदा वही है, और वही उसकी हेल्प कर सकता है, तो इसलिए वो मेरे से ही हेल्प लेना चाहेगी। और ऐसे ही फ्रेंड आपके अंदर में भी कोई ना कोई ऐसा ही टैलेंट हो गई, जैसे कि सिंगिंग का टैलेंट, डांसिंग का टैलेंट, या फिर एटीट्यूड वाला टैलेंट, या किसी को मोटिवेट करने का टैलेंट। और भाई इस पर मैंने पिछले भी वीडियो में बात किया था कि सबके अंदर में कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है, और आपके अंदर में भी कोई ना कोई टैलेंट हो गई, बस आपको उसे पहचानने की देरी है। तो अगर आप अपने टैलेंट को पहचान लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके तरफ में खींची चली आएगी। अब हम बात करते थर्ड पॉइंट के बारे में, भाई आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी लड़की से पहली बार मिलते हो, या फिर उसके सामने में खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हो, उससे बात करते हो, तो लड़की आपके फर्स्ट मीटिंग में क्या चीज़ें नोटिस करती है पता है, कि आपका लुक कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बात करने का तरीका कैसा है। तो अगर आप इन चीज़ों को सुधार लेते हो, इम्प्रूव कर लेते हो, तो लड़की आपसे बिना बात किए हुए भी पड़ जाती है, क्योंकि लड़कियाँ ये चीज़ जज करती है कि लड़के की पर्सनैलिटी देख यार, वो जब भी किसी से बात करता है तो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से रिएक्शन देता है। भले आप उससे बात नहीं कर रहे हो, उसके फ्रेंड से बात कर रहे हो, या फिर किसी और से ही बात कर रहे हो, लेकिन आप अच्छे से बात कर रहे हो, तहजीब से बात कर रहे हो, मतलब कि जब भी वो आपको किसी से बात करते हुए देखे ना, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार उस लड़के के कितने अच्छे संस्कार हैं, ये बहुत ही अच्छे से बात करता है, ये लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। और ऐसा होने पर लड़की अंदर ही अंदर आपसे सेट भी होने लग जाती है। और ऐसे भी जो लड़के होते हैं, जो दिखने में स्मार्ट होते हैं, ड्रेसिंग होते हैं, जो अपने ऊपर में थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं, जिनको ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज होता है, जो कपड़े अच्छे तरीके से पहनते हैं, अपने हेयर, अपने बियर्ड को अच्छे तरीके से रखते हैं, इनसे भी लड़कियां बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है, बिना बात किए ही इम्प्रेस हो जाती है। तो भाई आप ये बातों को समझो कि आप अपने ऊपर में कितना ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, अपने आप को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप कोई फेमस एक्टर जैसे बन जाओ, नहीं, लेकिन आप इतना तो करो ताकि जब भी वो आपको देखे तो उसको ऐसा लगे
कि उसके अंदर में कुछ तो चेंजेस आया है। जब से ये मुझे देख रहा है, तब से ये मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तब से उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है। इसने अपने लुक को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है। तब फिर भाई आप देखो कि कैसे नहीं इम्प्रेस होती है वो आपसे। तो फ्रेंड्स, एक कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जिसको आप फॉलो करके किसी भी लड़के को पटा सकते हो, वो भी बिना बात किए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।